जी, तो हमारे पास MD कैट का केमिस्ट्री का पोर्शन मैंने खोला 2023 का पेपर 2023 सॉरी, ये फर्स्ट टाइम से क्यों आपके सामने नज़र आया। कंसीडर द रिएक्शन बिलो, 5 मोल्स हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के, दोनों के वाटर बनाते हैं, क्या होगा रिएक्शन, क्या रिवील करता है। बेटे याद रखें, कभी भी जो बर्निंग ऑफ एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है कम्बशन होती है, और कम्बशन में एक्सेस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट बिल्कुल गलत, लिमिटिंग ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन एक्सेस से हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये बिल्कुल ठीक है। एक रिएक्शन हैज़ नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये भी गलत है। तो जब भी कम्बशन होगी, कम्बशन में आपको पता है कोई भी चीज़ यूनिवर्स में बर्न हो रही है, जितने मर्जी मोल्स बढ़ा लो, कम कर लो, कोई भी चीज़ बर्न होती है, ऑक्सीजन क्या ख़त्म हो जाती है, बर्निंग होती है इसकी प्रेजेंस में, ये रहती है ऑक्सीक्सेस में, दूसरी चीज़ कंज्यूम्ड अर्लियर दैट विल बी लिमिटिंग रिएक्टिंग। सेकेंड हमारे पास है, ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन है, ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड KCl3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म बाई टेकिंग 12 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। बेटे आपके पास इक्वेशन दी है 2 KCl3 और हीट, साथ इसने प्रोड्यूस किया 2 KCl+3 ऑक्सीजन, और साथ इन्होंने कहा है कि कितने मोल्स लिए इसके, 12, और 12 मोल लिए हैं इसमें पोटाशियम क्लोरेट के। उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म्ड, हमने ऑक्सीजन देखी है, तो ज़रा इधर देखिएगा, इसके 12 हैं, ये 3, मैं कहती हूँ 2 मोल्स हैं तो ऑक्सीजन 3 बन रही है, 1 मोल होगा यूनिटरी मेथड तो ऑक्सीजन कितने बनेगी, 3/2, 12 मोल होंगे तो कितनी बनेगी, 3/2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 12, 6 × 12 = 6, 3 = 18, तो हमारे पास 12 मोल से कितनी मोल ऑक्सीजन बन रही है, 18 मोल, तो अब देखते हैं 18 आंसर में है कि नहीं, 18 मोल ऑक्सीजन, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बात समझ में आई है, ये सी ऑप्शन हमारे पास 18 मोल ऑक्सीजन वाला। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 117 जो है हमारे पास है 0.0 ग्राम ऑफ NaCl, कितने इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं, फार्मूला यूनिट्स या मॉलिक्यूल। पहली बात बेटे, NaCl इज़ एन आयनिक कंपाउंड, तो इसमें मॉलिक्यूल्स तो हो ही नहीं सकते ना, तो ये 2 ऑप्शन तो ख़त्म हो गए मॉलिक्यूल्स वाले। आगे हैं हमारे पास 2 और ऑप्शंस रह गए, हम चेक कर लेते हैं, आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। NaCl सोडियम हमारे पास होता है 23, ये होता है 35.5, आंसर आ जाता है हमारे पास 58.5, और कितना इन्होंने दिया है, इन्होंने हमारे पास दिया 117, ज़रा देखते हैं, 2 करें इसको, हमारे पास आ जाता है 0.7117, यानी 1 NaCl जो होता है बेटे उसके पास हमारे पास होते हैं 58.5 उसका मास होता है, और वो हमारे पास कितने फार्मूला 6.02 × 10³³ फार्मूला यूनिट्स रखता है, ठीक है। तो अगर इससे डबल कर देंगे 117 कर देंगे तो 6.02 × 10³³ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो हमारे पास जो आंसर है आप कैलकुलेटर में करके देखें वो आ जाएगा 1.204 × 10²³, तो इसका ऑप्शन ए बनेगा, क्लियर है, ये देखिए ऑप्शन ए। आगे आ जाता है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल फॉर N4 एंड L3,
बेटे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब उन्होंने पूछा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, जब एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 है, तो व्हाट विल बी दी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिएगा, एन हमने पढ़ा था 1 हो एल क्या होगा 0, एन 2 हो तो एल क्या होगा 1, एन 3 हो तो एल क्या होगा 2, एन 4 हो तो एल क्या होगा 3। इस वक्त एम होगा 0, इस वक्त एम होगा 0 प्लस माइनस 1, इस वक्त एम होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और इस वक्त एम होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी 0 भी है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 एंड प्लस 3 माइनस 3। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 ओरिएंटेशन। कौन सा शेल सब शेल आएगा हमारे पास? एफ सब शेल। क्लियर है? तो ये हमारे पास 7 वाला आंसर, देखिए कोई मौजूद है। यस, सी ऑप्शन 7 है। उसके बाद क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 5, फोटोन ऑफ लोएस्ट वेवलेंथ इज रिलेटेड टू। बेटे ये जो है यूवी वेवलेंथ में लगता है, बाल्मर सीरीज, फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पास्टन सीरीज, तीनों आईआर में। और हमारे पास जो लाइमन सीरीज है वो ये विजिबल रीजन में, बाल्मर लाइमन सीरीज होती है यूवी। सबसे कम यूवी रीजन की वेवलेंथ होती है, सबसे कम यूवी रीजन की वेवलेंथ होती है, सेकंड पर विजिबल बाल्मर सीरीज आ जाती है, तो इसमें बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। उसके बाद है मैक्सिमम ई ओवर एम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज ऑफ पेन व्हेन द डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं हीलियम, नाइट्रोजन, नियोन और हाइड्रोजन। तो आप सबको पता है ई ओवर एम वैल्यू, अगर मैस ज़्यादा करेंगे ई ओवर एम वैल्यू कम होती जाएगी। तो ऐसी गैस जिसका मैस सबसे कम होगा, लाइक हाइड्रोजन सबसे कम है, तो ये इसका जो पॉजिटिव आइन होगा ना, इसका प्रोटॉन जो होगा उसका ई ओवर एम वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इस एमसीक्यूज़ का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, एमसीक्यूज़ नंबर 6 का डी ऑप्शन है, हाइड्रोजन। उसके बाद है 1 atm प्रेशर इज़ नॉट इक्वल टू, यानी किस में से इनमें से एक्सेप्ट। आप सबको पता है 1 atm 760 मिलीमीटर मरकरी के भी इक्वल होता है, 760 टॉर के भी इक्वल होता है, और 1013.25 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के भी इक्वल होता है, यानी 1013.25 न्यूटन मीटर को हम पास्कल भी बोलते हैं। इन सब के तो इक्वल होता है, सिर्फ सेंटीमीटर मरकरी रह गया, तो वो हमारे पास ऑप्शन ही है, मौजूद है फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर है? देखिए सारा कुछ किताब में से है, बहुत आसान अगर अच्छे से पढ़ो। आगे है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इन अ सर्टेन प्रेशर इज एक्स, वॉल्यूम एक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, याद आ जाएगा फॉरन बॉयल्स ला। व्हाट विल बी द, हमारे पास उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम एंड द प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ। प्रेशर अगर हाफ कर दें तो वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर एक्स है, सही है, ये होता है ना, प्रेशर एक्स है। अगर प्रेशर हमने एक्स है तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली रिलेटेड है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर हम प्रेशर को, व्हाट विल बी द वॉल्यूम एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर अगर हाफ हो जाए तो वॉल्यूम क्या होगा, मैं बताती हूँ आपको। प्रेशर उन्होंने कहा पी है और वॉल्यूम हमारे पास एक्स है। अगर प्रेशर जो भी है पी बाय टू हो जाए तो वॉल्यूम हो जाएगा 2 into x, तो 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, वो एक्स है ना, तो ये आधा हो जाए तो ये 2x हो जाएगा ना, ऐसा ही है ना। तो ऑप्शन है इसका बी, 2x, वॉल्यूम ऑक्यूपाई 3.2। अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम ओकोपाई बाय 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो बेटे 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो 3.2 के लिए
ज़रा इधर देखें, 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए होता है 22.414 डेसीमीटर की। इसको 10 पे डिवाइड करोगे तो इसको भी 10 पे डिवाइड करना है, 3.2 के लिए होगा हमारे पास 2.24 डेसीमीटर क्यूब। तो ये इसमें ऑप्शन बी 2.24। उसके बाद है हमारे पास ऑल द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम हैव, तो बेटे आप लोगों को मैंने एक टर्म बताई थी क्यूट आवर मदर, इसमें क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोम्बिक जो हमारे पास है ना, इन्होंने कहा कि इसमें बीटा और गेमा 90 के इक्वल नहीं होते, तो उसमें बेटे हम इजीली अगर आपने याद किया हो तो रोम्बोहेड्रन में ये 90 के इक्वल नहीं होते। उसके बाद है कंपाउंड, आपके पास क्वेश्चन है कंपाउंड हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो कार्बन टेट्राक्लोर इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बेंजीन में स्टेबिलिटी ज़्यादा है रेजोनेंस की वजह से, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी कार्बन टेट्राक्लोराइड में डाइपोल फोर्सेज हैं जिसकी वजह से इसका ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नहीं है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर, बेटे इसमें मेथनॉल एल्डिहाइड्स में नहीं होती, कीटोन्स में भी नहीं होती, एल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड के दरमियान में भी नहीं होती, थ्री अमाइन और वाटर के दरमियान में होती है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। 3 डिग्री अमाइन का मतलब क्या है, टर्शरी अमाइन, इसमें नाइट्रोजन ने 3 अल्काइल ग्रुप के साथ किया हुआ जैसे अमोनिया में होता है, 3 बॉन्ड्स बनाए हुए, एक इसका ये है जैसे अमोनिया होता है ना, ये देखिएगा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना, ऐसे ही अगर हाइड्रोजन्स की जगह आर लगा दूं तो ये टर्शरी अमाइन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर के साथ, सिंपल सा आंसर, क्लियर है ना, तो इसका आंसर है टर्शरी अमाइन एंड वाटर। उसके बाद है आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्यूरान, तो बेटे फ्यूरान जो है वो हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, आप सबको पता है उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है C4H4O, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, तो C4H4O फर्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन C4H4O। हैबर प्रोसेस में बेटे हमारे पास कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर 673 केल्विन होता है, तो बेटे ये अप्रॉक्सीमेटली डिग्री सेल्सियस में इन दोनों के दरमियान में आता है 400 to 450। आयोनिक प्रोडक्ट अगर KSP से कम हो, बेटे आयोनिक प्रोडक्ट याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि अगर लेस देन हो KSP से, तो बेटे सॉल्यूशन याद रखेंगे इस फेज में अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है, और यानी सिंगल बॉन्ड आएगा, और नो प्रेसिपिटेशन, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, और अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर हो जाए तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा और प्रेसिपिटेशन होगी, तो इसके आंसर में आएगा डी ऑप्शन, नो प्रेसिपिटेशन विल अकर। उसके बाद है डेल्टा एन अगर ज़ीरो हो तो फिर क्या होगा, आप सबको पता है KP इज इक्वल टू KCRT डेल्टा एन, अगर डेल्टा एन ज़ीरो हो जाए तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 1, तो ये दोनों KP विल बी इक्वल टू KC, क्लियर है, ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इनमें से कौन सा थर्ड ऑर्डर है, तो बेटे डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी सेकंड ऑर्डर है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी सेकंड ऑर्डर है, आगे है गैस फेस ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसमें आता है हमारे पास 2NO ऑक्सीडेशन है ना और O2, बेटे आप हमारे पास एक दो ये हैं और एक ये है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। 17 MCQs मैंने डिस्कस किए हैं, कोई भी इनमें क्वेश्चन हुए हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आगे वाले डिस्कस करूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।